आराम आ रहा है काफी। अभी दर्द है स्ट्रेस बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ नहीं सकते तो दर्द होता है। अभी जैसे खड़े हैं दर्द है, ऐसे दर्द नहीं अच्छा बैठ जाते हैं तो खड़ा नहीं आ जाता, इसका मतलब इनको भी ना भी होता दोष है। लेकिन आप भी हवन करेंगे यज्ञ करेंगे और तेल लगाएंगे उससे भी आपको लाभ होगा। वो दर्द वाला कौन है? नहीं नहीं वो बैठ गया चश्मे वाला, चश्मे तुम्हारे ठीक हो रहे हैं, तुम भगवान का नाम लिया करो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बैठ भाई, तेरे को कहा ही नहीं हमें उठने के लिए, तुम इतना साधना कर सकती है तो साधना सकती है। हाँ जी डॉक्टरों ने क्या बताया? आप बैठ जाओ बहन जी, बैठ ना सकते हो। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ हाँ करो, दो क्वेश्चन करो। ज्यादा वीडियो देखती है, इन्हीं पे ध्यान रखती है। ओम नमः शिवाय, ओम क्यों नहीं जपती? जब हम ओम नमः शिवाय शब्दों ही बताते हैं बस उसी को कर, वही एक बार तार देगा और क्या, हजारों मंत्रों में क्या लेगी। आसमान से इंद्र को गिराएगी, इंद्र पद पाना चाहती है। फिर कहाँ दर्द है? नीचे की तरफ गया। पैर चलाओ वैसे, जय शनिदेव जय शनिदेव, वैसे बोलो जोर से, मारो जोर से, जितनी जोर से मारेंगे गया, ए गया 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 गया। बिना कहे बिना पूछे बिना बताए तो कुछ कह नहीं आएगा भाई, प्लीज। जब से शादी हुई है तब से इलाज किस चीज का? मेरे इसको अस्थमा था। हां अस्थमा की दवाई खाते खाते किडनी छोड़ गई इसकी। हां अभी दर्द होने लगा इसके। हां पता नहीं कितने डॉक्टर चेंज कर दिया। ना अस्थमा था ना किडनी सुखड़ी थी, मेरे से पूछ लो क्या था। पहले भी इसको निगेटिविटी थी, आज भी इसको निगेटिविटी है, डॉक्टर क्यों बताएगा निगेटिविटी है? जिसके पास जाता वो कहता है बॉडी आज तक दसियों आदमी से मिल गया कोई ठीक नहीं कर पाया। खाली पेट जाता हूँ, उसके बाद जब ये आती है ना शाम को आऊंगा तो खाने मिलेगा, बेटा सीखता है खाना। कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज करा है सर? पता नहीं कितने हॉस्पिटल सारे कितने पैसे लगा दिए हैं? लाख रुपए लगा दिए, लाख रुपए थोड़ा और आ गया जाओ, लाख रुपए लगा दिए। कहाँ है?
वहां है। अच्छा चलिए वहां इनके वहां अलका सा ऐसे खसाइए जरा, इससे ये भी पता चल जाता है पत्नी के बैठा हुआ आदमी कैसा लगता है, पत्नी की शरण में बैठा हुआ आदमी कैसा आज तक है। देवियों की शरण नहीं मिलेगी तो आदमी का कहां कल्याण है? नहीं गलत कह रहा हूं, देवी की शरण ग्रहण कर ली अब देखिए। हाँ देखिए बताइए, बहुत हल्का सा कहीं है तो इसके लिए एक ताली तो बनती है भाई। हाँ मेरे समझ में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो देवता को बुला दो, हाथम देवता करेंगे एक बार। जैसे मैं आपको न्यास कराता हूँ, अगर न्यास ही आप मेरे साथ बैठ के 3 घंटे तक जाप कर लो तो पितृदोष आज ही 80% खत्म हो सकता है 90%, लेकिन तुमने करना ही नहीं कुछ, तुम भागा दौड़ी मारते हो, भागा दौड़ी चले जाते हो। पिछले 3 दिन से मैं जाप करा रहा हूँ, अगले 15 मिनट बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर बैठता है, फिर कोई जाप करता ही नहीं है। तुम्हें इतने भी नखून के अग्रभाग जितनी भी अकल नहीं है और शर्म तो तुम बेच खाते हो बिल्कुल। मेरे सामने ही सवेरे मैं हवन करा रहा हूं, 1 घंटे तक तुमने जो हाल किया है मेरा मैं जानता हूं। आगे मैं बिना सबका हवन किया आ जाता है नहीं ना, फिर भी तुमने क्या बुरा हाल किया खुद देखो, खुद पे सोचो, कभी थोड़े शर्मिंदा हो लो, खुद व्यवस्था खराब कर लेते हो। अब कहीं व्यवस्थापक नहीं है अच्छा, मैं अच्छा व्यवस्थापक नहीं हूं क्योंकि मैं तुम्हारे से प्रेम करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। इसलिए व्यवस्थापक को ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे प्रेम करता है। कैसा होना चाहिए? जिसके पास 20 आदमी आसपास में खड़े हैं, कोई गन लिए खड़ा है, कोई कुछ लिए खड़ा है, कोई कुछ लिए खड़ा है, फिर व्यवस्था अपने आप हो जाती है। जिसके यहाँ बहुत मोटा पैसा लिया जाता है, जिसकी मुंह दिखाई भी अच्छी ली जाती है, व्यवस्थापक की अच्छी करना अच्छी मुंह दिखाई हो तो ये सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा व्यवस्थापक है, और वो आपके बीच का है, अपना है आपका, है ना, आपके हृदय में रहने वाला है, बिल्कुल करीब का है, तो आप उसकी भी व्यवस्था खराब करते हैं, अपनी भी खराब कर लेते हैं। नहीं समझे आप? ये दर्द भार कष्ट गायब हो सकते हैं बहुत जल्दी, आप बस जाप करने वाले बने। आपको मंत्र शक्ति देखनी है और मंत्र की महिमा देखनी है तो आपके ही मुंह से मंत्र की महिमा हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे चलूं और शांति छा गई मुझे बताइए जरा। नहीं समझे? तो आप व्यवस्था खुद आपने कुछ नहीं करना है, आपने खुद को मौन रखना है। क्या करना है? खुद को मौन रखना है, दूसरे को नहीं कहना है मौन रहो, दूसरे को नहीं कहना है भाई चुप रहे, अपने आप को मौन रखना है, तब एक आवाज खत्म हो जाएगी उसी समय। नहीं समझे आप? चुप रहने का एक ही तरीका है, अपने आप को मौन रख लो तो एक आवाज बिल्कुल उसी समय खत्म हो जाएगी। नहीं समझे? समझ गए है ना? जैसे आप मौन हो, व्यवस्थित हो, आंख बंद करो। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलिए आंख बंद कीजिए और मैं आपको कान में फूंक लगाता हूँ और यहीं से लगाता हूँ और बहुतों के कान में पहुंच जाएगी फूंक, इतनी जोर की सियरन होगी बहुतों को, और मैं हाथ धुआऊंगा पता चलेगा, पहली बार वाले भी करेंगे, ये कोई पहली बार आया ना वो भी करेगा, ठीक है ना। तो उसको कान में फूंक लगेगी, पता चलेगा जिसको बाधा होगी उसकी बाधा पे जोर पड़ेगा एकदम से, है ना है? जी तो भूख लगाते हैं, अरे शनिदेव महाराज का नाम लेते हैं, वो सबके अंतरतम को खोद लाएंगे एक ही भूख में, तो जो जहां है वहां सीधा होके बैठ जाए, कमर सीधी कर ले और फिर देखते हैं।